हाय फ्रेंड, आज मैं आपको मोबाइल स्टैंड बताने जा रही हूँ। मोबाइल स्टैंड मैक्रेम बताऊंगी। ये देखिए, जिसके लिए मैंने टू कलर का वायर लिया है। ये मेरे उसमें 10 वायर लगते हैं। जो मैं अपना मोबाइल स्टैंड मैक्रेम बनाऊंगी उसमें 10 वायर लगते हैं। ये 10 वायर मैंने 3 3 मीटर के कट किए हुए हैं। ये देखिए, ये वाला कलर है जो मेरा, ये मैंने 8 वायर कट किए हुए हैं, 3 3 मीटर के, 3 3 मीटर के, ठीक है। और ये देखिए, ये जो मेरे वायर है, ये मेरा ब्लू कलर का वायर है। ये मैंने 2 वायर कट किए हुए हैं, ये भी 3 3 मीटर के ही वायर कट किए। ये मैंने सारे 3 3 मीटर के 10 वायर कट कर लिए हैं। 8 वायर ये और 2 वायर ये, सारे मेरे 10 हो गए। और जिसके लिए मुझे ये सामान की जरूरत पड़ती है इसमें, वो मेरे, ये मेरी वेल्स हैं, इसमें 10 वेल्स लगती हैं। ये देखिए, मैंने ये ग्रीन कलर की ली है। और ये मेरे 2 कलर के मोती हैं, ये व्हाइट एंड ग्रीन, और इसमें एंड सीजर और लाइटर। ये सामान की इसमें जरूरत पड़ती है। इसे मैं आपको, अब जो मेरी रिंग है, वो रिंग भी मैंने पहले से ही लपेटी हुई है। ये देखिए, ये मेरी 2 इंच की रिंग है। मैंने इस पे पहले से ही डिजाइन दिया हुआ है इसी तरह से। इस पे मैंने धागा लपेट रखा है वायर। अब मैं इस पे, इसमें वायर डालूंगी, अपने 10 वायर डाल के मैं तैयार करूंगी। वो बताऊंगी मैं किस प्रकार से मैं इसमें वायर डालूंगी। मैंने इसमें 4 वायर डाल के तैयार कर लिए हैं, ये वाले। अब मैं ये वाला कलर डालूंगी। ये कलर मुझे, इसी कलर के, ब्लू कलर के, मुझे इसमें 2 वायर डालने होंगे बस, बीच में डिजाइन देने के लिए। अभी देखिए, मैं एक और वायर डालूंगी ब्लू कलर, ब्लू कलर का। और फिर मैं 4 वायर ही इस कलर के डालूंगी इधर की तरफ। और फिर मैं इसे बनाना शुरू करूंगी, किस प्रकार से मैं इसे बनाऊंगी। अब मैं इस कलर के भी 4 वायर डाल के इसमें तैयार कर लूंगी। अभी देखिए, मैंने एक मोती डाल के इसमें तैयार कर लिया। एक मोती मैंने इधर से डाला है। अब मुझे ये वाला वायर पकड़ के, और तब मैं अपना डिजाइन दूंगी, लपेटने वाला डिजाइन दूंगी पहले मैं इसमें, तब मैं इसको बनाना शुरू करूंगी। ये देखिए, ऐसे मैं वायर पकड़ूंगी अपना, इसको इस तरीके से इसके अंदर डालूंगी। और थोड़ा टाइट सा लेना है इधर से, ज्यादा टाइट भी नहीं लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मेरा ये डिजाइन आएगा बन के। पहले मैं अपने इस तरीके से इसको लपेट लूंगी। ये देखिए, एक वायर पकड़ेंगे, उसको इधर से निकाल के ऐसे, और फिर दोबारा से रिपीट करेंगे ऐसे ही। और इस तरीके से डिजाइन आएगा ये मेरा बन के। देखिए, एक वायर पकड़ के, ये हम अपने मोबाइल वगैरह इधर उधर रख देते हैं। ये उसी का स्टैंड बता रही हूँ मैं आपको, उसी का हैंगिंग, मोबाइल हैंगिंग। हम इसमें अपने मोबाइल को चार्ज करके लगा सकते हैं, इसमें रख के चार्ज पे लगा सकते हैं मोबाइल को। ये देखिए, अब जैसे मैंने इधर किया ऐसे ही मैं इस वायर को पकड़ूंगी और इधर से कर दूंगी। फिर मैं दूसरे वायर को भी ऐसे ही, मुझे ये डबल डबल करना है दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। अभी देखिए, मैंने इधर से दोनों तरफ से इसे अपना रेडी कर लिया है। और ये मैंने इधर ग्रीन कलर का मोती डाल दिया है। मैंने ऐसे ही गांठ लगाई है, जैसे कि मैंने आपको मोती मैक्रेम में और डोर मैक्रे में बताइए, वही गांठ है मेरी। ये देखिए, इस तरीके से मुझे इधर से थोड़ा लूज रखना है, जिसमें मैं अपनी पॉकेट के लिए पॉकेट डालूंगी। मुझे इधर वायर डालने होंगे। पहले मैं इसे 14 इंच, मतलब कि 14 इंच का पूरा बनाना है मुझे, ये नीचे तक 14 इंच तक बनाना है मुझे ये। ये देखिए, इस तरीके से मैं अपनी टाइट टाइट ऐसे ही गांठ लगाते हुए जाऊंगी। ये देखिए, 2 वायर इधर से और 2 इधर से, ऐसे ही। इसमें हमें कोई कर्व वगैरह, कोई डिजाइन वगैरह नहीं देना है, बस ऐसे ही गांठ लगाते हुए 14 इंच तक बनाना है। फिर मैं अपनी 14 इंच तक बना के इसको, तब हमारी इसमें पॉकेट डालेंगे। ये देखिए, 2 वायर ऐसे पकड़ के,
ऐसे ही देख देख के थोड़ा। ऐसे ही सीधा सीधा बनाना है पहले हमको। ये जो मैं अपनी मोबाइल वाली पॉकेट बनाऊंगी वो मैं बाद में बनाऊंगी, तब जो हमारा 14 इंच का पूरा बन जाएगा तब मैं अपनी इसमें पॉकेट बनाऊंगी। ये देखिए पहले मुझे ऐसे ही सीधी सीधी गांठ लगानी है देख देख के। देखिए पहले मैं इसको लगाऊंगी, ये हमें इस तरीके से लगानी है। ये जो हम इधर इधर जो मैंने अलग कलर दिया है, देखिए ऐसे थोड़ा लूज रखना है हमको ये, इस तरीके से इधर थोड़ा लूज रख के तब हमको ये गांठ लगानी है अपनी। देखिए इधर से भी, और फिर मैं अपना बीच वाला बनाऊंगी। जो हम अपने पॉकेट के लिए वायर डालते हैं वो हम अलग से वायर डालते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से। पहले मैं इसको बना के तैयार करूंगी। ऐसे ही मुझे ये 14 इंच का बनाना है, सीधे सीधे चलना है, इसमें कोई भी कर्व वगैरह नहीं देना है मुझे। ऐसे ही सीधे सीधे बनाना है मुझे ये। देखिए इस तरीके से मेरा ये डिजाइन आएगा बनके। अब मैं इसे पूरे को बना के 14 इंच तक इसे तैयार कर लूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि पॉकेट हम इसमें किस तरह से अटैच करते हैं। अभी देखिए फ्रेंड, ये मैंने इधर तक पूरा 14 इंच तक मैंने ये बना के तैयार कर लिया है। मैंने इसे ऐसे इधर से कर्व दे दिया है थोड़ा, जैसे कि ये मैंने भी इधर से पूरा लिया था जहां से मेरे ऊपर तक आ रहा था, फिर मैंने एक कम किया, फिर एक कम किया, ऐसे ही करके मेरा ये कर दिया है मैंने। अब मैं इसमें पॉकेट डालना बताऊंगी आपको, जो हम जिसमें हम अपने मोबाइल वगैरह रखेंगे वो मैं पॉकेट किस प्रकार से डालूंगी। ये देखिए ये मैंने इधर से वायर डाला इस तरीके से, इसमें रिंग वगैरह नहीं डलेगी, जो मैं अपनी पॉकेट बनाऊंगी वो इसी वायर से डलेगी। अभी देखिए दूसरा वाला मैं इसमें डालूंगी इस तरीके से। अब इसे मुझे इधर से ही ऐसे इधर से टाइट से गांठ लगा देनी है। ये देखिए इसे मैं अभी नहीं कट करूंगी, इसे मैं बाद में कट करके और पीछे की तरफ इसे मैं ज्वाइंट कर दूंगी। अब मैं इसमें वायर डालना बताऊंगी कि मुझे इसमें 12 वायर डालने हैं, 12 वायर। और जो मैं अपने 12 वायर डालूंगी वो मुझे एक एक मीटर के वायर कट किए हुए मेरे से, क्योंकि उसमें ज्यादा वायर नहीं लगते मुझे, मेरी पॉकेट ये इधर तक बन के आएगी बस, उसमें ज्यादा नहीं लगती, इस वजह से मैंने एक एक मीटर के 12 वायर कट किए हुए हैं। ये देखिए वायर मुझे इस तरीके से डालने हैं। मैं इस कलर के 5 वायर डालूंगी और 2 वायर में ब्लू कलर के डालूंगी। अभी देखिए मैंने वायर भी डाल लिए हैं इसमें, मैंने इसमें 12 वायर डाले हैं। ये देखिए 5 इस कलर के और 5 इस कलर के और 2 मैंने ब्लू कलर के डाले हैं, ठीक है। अब ये देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने ऐसे ही गांठ लगाई है जैसे मैंने इधर मोती डाल के, ऐसे ही गांठ लगाई है जैसे मैंने इधर की साइड लगाई थी। अब ये मुझे इसमें किस तरह से ज्वाइंट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए पहले मैं इधर से गांठ लगाऊंगी अपनी, ऐसे मुझे 4 वायर पकड़ने होते हैं ये, और इस तरह से हम अपनी गांठ लगाते हैं। ये जो मैं अपनी पॉकेट बना रही हूँ मोबाइल की, इसमें मोबाइल वगैरह रख के आप चार्ज कर सकते हो। ये देखिए 2 ब्लू लाऊंगी, और इधर से भी मैं आपको वो बताऊंगी। मैं इस जो मैंने बनाई है नीचे की तरफ से डिजाइन दिया है पूरा 14 इंच का,
उसमें मैं इसे कैसे ज्वाइंट करूंगी, ये देखिए इस तरीके से पॉकेट आप कितनी भी बड़ी बनाना चाहते हो अपने मोबाइल के हिसाब से, बस ऐसे ही। अभी देखिए मैं इसे किस तरह से ज्वाइंट करूंगी। ये मैंने एक धागा लिया इधर से और जो मैंने इधर से ये गैप दिया था उसमें मुझे ये धागा इस तरह से डालना है दोनों तरफ से, इधर से भी और उधर से भी ऐसे धागा डाल के और ये वायर ऐसे इस तरीके से पकड़ के और मैं इसमें गांठ लगा दूंगी और ये मेरा इसके साथ अटैच हो जाएगा अच्छे से। ये देखिए ये मेरा इधर से अटैच हो गया है और इधर से भी, ये देखिए मैं इधर से भी करूंगी ऐसे ही। ऐसे मैंने एक वायर लिया और वायर को मैं इधर से निकालूंगी इस तरीके से और ऐसे चार वायर, एक वायर वो पकड़ के जो मैंने उसके अंदर डाला था और तीन वायर ये ऐसे पकड़ के मैं इसमें टाइट से गांठ लगा दूंगी ताकि ये हमारा इसके साथ ये देखिए ऐसे ही अटैच होता जाएगा और ये मेरी पॉकेट इस तरह से बनती हुई आएगी। ऐसे ही मैं इसमें सीधी सीधी गांठ लगा के लगाती हुई जाऊंगी। मैंने ये इधर तक बना के तैयार कर लिया है, कुछ नहीं है इसमें, बस सीधी सीधी ऐसे ही गांठ लगाते हुए जैसे मैंने आपको बताया था इसमें इसको वायर को डाल के और फिर से गांठ लगा देनी है। ऐसे ही मैंने इधर तक बना के तैयार कर लिया है। मैं इसमें गुलाई दूंगी जैसे कि मैंने नीचे की तरफ दी थी, ये देखिए गुलाई मुझे इस प्रकार से देनी है। मुझे इधर से दो वायर छोड़ते हुए जाना है, ये देखिए मैंने दो वायर छोड़ दिए इधर से और अब मैं इधर से भी ये वायर छोड़ दूंगी और इसमें गांठ लगाऊंगी। अब ये बीच वाले में लगाऊंगी, ये जो एक्स्ट्रा वायर हमारा कट होता है इसे हम वेस्ट नहीं करते। इसका भी मैं आपको बनाना बताऊंगी, डोर हैंगिंग बनता है इसका, जो हमारा एक्स्ट्रा वायर होता है। अभी देखिए ऐसे ही गुलाई देते हुए चलना है मुझे। ऐसे ही अभी देखिए मैंने इस तरह से इसको गुलाई दे दी है। अब मैं इन दो में गांठ लगाऊंगी, कुछ नहीं है इसको मोबाइल स्टैंड को बनाने में। ये देखिए ऐसे ही बस सीधी सीधी गांठ है और अपने कर्व देते हुए जैसे मैंने नीचे की तरफ कर्व दिया था ऐसे ही मैंने इस नीचे पॉकेट में दूंगी मैं। ये देखिए मेरी, ये देखिए मेरा ये कर्व बन के आ गया है जैसा कि मेरे पॉकेट में आना चाहिए था। ये देखिए इस तरीके से मेरा ये कर्व आ गया। अब मैं इनको इसके अंदर डालूंगी पीछे की तरफ और फिर मैं इनको पीछे की तरफ चिपका दूंगी। ये देखिए एक एक वायर लेके एक वायर लिया और मैंने इसके अंदर ऐसे डाल दूंगी मैं इसे वायर को। ये देखिए ऐसे ही टाइट टाइट खींच के दूसरा वायर भी ऐसे ही डालूंगी मैं। एक एक वायर पकड़ पकड़ के मुझे ये पीछे की तरफ डाल देने हो, फिर मैं इसे लाइटर के साथ इनको पीछे की तरफ इधर से कट करके और ऐसे इनको मैं चिपका दूंगी ताकि हमारे दिखाई ना पड़े। ये देखिए पहले मैं एक एक वायर डाल के तैयार कर लूंगी इसको। अभी देखिए फ्रेंड ये मैंने अपनी पॉकेट ये बना के तैयार कर लिया है। ये मैंने इसे इधर से पीछे की तरफ इधर उसको डाल के
और मैंने इस तरह से इसको लाइटर के साथ ऐसे चिपका दिया है। और मैंने अब दूसरी वाली पॉकेट तैयार करूंगी। ये देखिए मैंने जैसे इसमें बताया था ऐसे ही वायर डाल के, और तब मैंने इसमें 12 वायर डाले एक एक मीटर के, ऐसे ही मैंने इसमें भी 12 वायर डाल के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें 12 वायर डाले हैं और मैंने एक मोती डाल के इसमें और गांठ लगा दी है। अब मैं इनको बताऊंगी आपको। ये देखिए एक वायर लिया जो इसमें ज्वाइंट करते हैं, ये देखिए एक वायर इधर से निकालेंगे हम इसको इस तरीके से। ये देखिए इधर से इस तरीके से निकालना है मुझे ये, और मैं इनमें गांठ लगाऊंगी पहले। ये देखिए मैंने इधर गांठ लगा ली है, ऐसे ही मैं एक वायर लूंगी इधर से और ऐसे सीधा करके इसको और ऐसे निकाल दूंगी, और फिर मैं इन चार वायर में ऐसे ही गांठ लगाऊंगी जैसे अपनी वो पॉकेट बनाई थी मैंने। ऐसे ही मुझे ये वाली भी पॉकेट बनाऊंगी मैं अपना। इसमें मोबाइल अच्छे से सेट आ जाता है और हम अपना चार्जिंग पे लगा सकते हैं मोबाइल इसमें रख के। ये देखिए अब मैं बीच वाले में ब्लू कलर के हैं जो मैंने मोती डाल दिया है, इसमें मैं अपनी गांठ लगाऊंगी। अभी देखिए ऐसे ही मुझे सीधी सीधी गांठ लगाते हुए चलना है, और जैसे मैंने इसमें कर दिया था ये, जैसे मैंने ये वाली पॉकेट बनाई थी ऐसे ही मैं ये वाली पॉकेट भी इसे भी बना के मैं तैयार कर लूंगी। ऐसे ही सीधी सीधी गांठ लगानी है मुझे, और बाद में आके मुझे ये एक एक कम करते हुए ऐसे कर्व दे के पीछे की तरफ निकाल के और इसी तरह से मैं इसे चिपका दूंगी। ऐसे ही जैसे मैंने ये पॉकेट बनाई है ऐसे ही मैं सेम ये पॉकेट भी बनाऊंगी इधर तक इसे बना के और तैयार कर लूंगी। फिर मैं आपको नीचे वाला डिजाइन बताऊंगी कि हम इसे इस डिजाइन को किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड ये मैंने अपनी दोनों पॉकेट बना के तैयार कर ली हैं। देखिए ये वाली भी और ये वाली भी, जैसे मैंने ऊपर वाली में इधर की तरफ डिजाइन दिया था ऐसे ही मैंने इधर की तरफ भी डिजाइन दिया है अपना। ये देखिए इस तरीके से मैंने मोती डाला है। अब मैंने वायर कट करने हैं, वायर मुझे इस तरीके से कट करने हैं। ये देखिए पहले मुझे सबसे छोटा वायर कट करना है, फिर उससे बड़ा, फिर इसे थोड़ा बड़ा, फिर इसे थोड़ा बड़ा, जाके ताकि मेरी ये शेप आ सके इस तरह की। जैसी मेरी इस तरह पे शेप आई है ऐसे ही मैं इसमें वेल्स डालूंगी, उसी तरह से मेरी ये शेप आएगी। अब मैं इसे कट करके तैयार कर लूंगी और वेल्स भी डाल के तैयार कर लूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी हमारा डिजाइन किस तरीके से आएगा। अभी देखिए फ्रेंड ये मेरा मोबाइल स्टैंड मैक्रेम आपके सामने बनके तैयार है। ये देखिए मैंने इसमें मोबाइल भी रख के दिखाया आपको। ये देखिए इस तरीके से मेरा मोबाइल रख के हम इसे चार्जिंग में लगा सकते हैं। इसी तरीके से मेरी इसकी शेप आई है बनते हुए। ये देखिए मेरी पॉकेट की भी ऐसे ही, जैसे मैंने ये पॉकेट बनाई थी ऐसे ही मैंने ये वाली पॉकेट ही बना ली। हम इसमें भी अपना मोबाइल रख सकते हैं। मैंने टू पॉकेट वाले बनाया है। अभी देखिए ये मैंने वेल्स भी डाल दिए हैं इसमें इसी शेप से, जैसे जैसे मेरी इसकी शेप आई थी ऐसे ही मैंने वेल्स की भी शेप इसी प्रकार से ली है। ऐसे ही मेरा मोबाइल स्टैंड आपके सामने बनके तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो समझने में फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।